एक ऐसा परिवार से मैं आपको मिलाना जा रहा हूँ जिनकी हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत हो गई है, क्योंकि इनका जो बिजली का बिल है वो 1.5 लाख रुपए के करीब है और इनके घर में कमाने वाला जो व्यक्ति है वो मात्र एक व्यक्ति है, वो भी बुजुर्ग है और इनकी एकमात्र संतान है, इनकी बेटी है। जब इनकी बेटी हुई तो जो इनकी माता जी जो है वो मेरे साथ आप देख रहे हैं, इनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिनके जो हाथ हैं दोनों जो हैं वो बिल्कुल जुड़ गए हैं, ना ही ये अंदर से बाहर जा सकती हैं और ना ही ये बाहर से अंदर आ सकती हैं। एक लड़की है इनकी जो 12th पढ़ रही है, उस घर का सारा काम काज करती हैं, तो ये माँ है जो उस लड़की के सहारे है, जो उनका एक जो उनके घर वाले हैं जो आप देख रहे हैं मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग हैं, यही कमाने वाले हैं, कमाने वाले कहीं दिहाड़ी लगती है और कई बार नहीं लगती है, कहीं ना कहीं ये चिंता जो है ये सताती रहती है कि मेरी बीवी का अब कौन कोई ख्याल जो है वो कौन रखेगा। चलो आइए सीधे जानते हैं इनसे कि इनका बिजली का बिल कितना है। इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है कि हमारी जो दरखास्त है प्रधानमंत्री मोदी तक, जहाँ जो PDD डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं वो बैठे हैं, इनकी गुहार जो है वो जरूर सुनेंगे। मैम के नाम से सॉन्ग मैम जी शुरू लहर लगी चल ऐसी अजकल पानी भी नहीं पी सकते अपने हाथी कोई पलिया रुटी खिलाती कुड़ी कुड़ी स्कूल घर आला खिलाऊ इन्नी मुश्किल अस जम्मू रे सारा बिजली का बिल इन्ना बनाई गए बिजली कच्चा मकान सा साड़ा हूं अस गवर्नमेंट ने पैसे दिते इन्ना भाई प्रधानमंत्री लोग ग्रां दे लोग मिले आखन गए इन्नी हारी बची है मिट्टी कियां लाया हूं जमाने की लगता त्रे चार हजार पांच हजार टेस्ट कराओ अज 6000 का अज 8000 का खाली हो गए फिर घर आए थे मकाने दवाई का खर्चा बने अजकल दवाई खानी सारा पाई चला दी हूं दवाई जेकर साढ़े कोल इन्ने पैसे होन तां असीं डाक्टर कोल नहीं जाजा चा इन्नी आरती थोड़े बोलनी भाई चलो गवर्नमेंट ने बिजली दिती है पर असि कर्जा थला गरीबी लोग लाउड़िया नेहरा चंगे से पहले भी ऐसा जमाना लोग नेहरा रोंदे से अस भी नेहरा रही जाते एक साल नहीं दिता बिल तो तुस साडी भी घर मौका दिखो जम्मू का रोहनी आला इधर ही चलता सारा कोल गै रोड का घर है तू आज लोग सारे देखो सारे कंडीशन देखो घर की आ क्या रख दरखास्त है सब के लिखे देता भाई मेरी मम्मी रोटी भी नहीं खाई सकती अपनी हाथी ना मैं खुद खिलाई हूं तो सारी सारा काम मौका देखो सिरका का कोल का घर है सारा कोई दूर भी काम नहीं है AWO में नौकर गया ना कोई बड़ा वो थोड़ा बनी गया है आनिया मौका भी नहीं देखी सकता इन्हें तो कनेक्शन का टूटो चलो अस नेरे भी रही जाने अस रुटी रुखी लूनी खा दे कर्जा तो नहीं कुछ देना मुंह कुड़ी जो है कर्जा कौन होगा दे रहा है इस हिसाब कोई होंगे
बाथरूम लेना दोनी जनी चुकी कला बंद नहीं चुक सकता रियासी जाना माड़ा वो करना हैंडीकैप सर्टिफिकेट डॉक्टर ने खुद बुलाया आखिर मैं दिखनी है सुरोशन बैल फैला ने कुड़ी ना बड़ी मदद की थी मारी बेचारी ने ना कैसे आखिर लगे कोई गल आधार कार्ड उन्हें का बनवाया मशीन कार भेज दी आखिर लगी तो असर रियासी कुछ अगर 3000 रुपया गड्डिया नहीं कुछ दे पैसे बिजली आली ही साड़ी सेवा को रखनी चंगे बड़े लोग हेल्प करते हैं गरीबे की हेल्प करते हैं बड़े बड़े लोग दिखा रहे हैं मैं आपको ये बात बताऊं कि ये ऐसी फैमिली है, पहले ये जम्मू में रह रहे थे क्योंकि जब इनकी बच्ची का जन्म हुआ उसके बाद इनको प्रॉब्लम जो है वो हुई है। ये जम्मू में रहते थे, इनके जो घर वाले हैं वो किसी के पास काम करते थे, केबल का काम करते थे, वहां पे इनको मात्र 4000 का तनख्वाह मिलती थी आज से 7-8 साल पहले। उसके बाद जब ये यहाँ पे घर पे आ गए, बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया, तो ये इनके घर की कंडीशन ऐसी थी कि कच्चा मकान था, कच्चा मकान जो है वो गिर गया था पूरा, और लगातार 5-6 साल इनका बिल जो है वो आता रहा, बिल इतना आता रहा उनका बिल जो है वो 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्कीम है जहाँ पे 11-12 किस्तें वो देनी है उनको, कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है। अब हमारी कुछ डिपार्टमेंट के साथ कुछ लोगों के साथ बात हुई है, उन्होंने हमें ये बताया कि इनका कुछ जो बकाया था 1.5 लाख के करीब था, अब इनको 8-10 किस्तों में वो पैसा जो है वो पूरा क्लियर करना होगा। दिसंबर या नवंबर तक इनको अब पेंडिंग इनका जो है वो लगभग 30,000 रुपया पेंडिंग है, एक किस्त इन्होंने दे दी है। इन्होंने ये सोचा था कि हमारा इतना ही पैसा बनेगा क्योंकि 10-20-50 बिल आएगा, तो इन्होंने एक गाय थी वो बेच दी है, 9,000 रुपये उनको उधर जमा करवाया, तो उन्होंने ये बताया कि आपको अब 30,000 रुपया और देना है, नहीं तो आपको पूरा इनका जितना बिल बना हुआ है लाखों की 1-1.5 लाख के करीब इनका बिल बना हुआ है, तो ये आपको पूरा देना होगा, नहीं तो आपका बिल जो है वो बिल्कुल 1.5 लाख में देना होगा, नहीं अगर मुका सकते हो तो आपको इस किस्तों में 30-40 हज़ार रुपये जितना भी जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है वो इनको मकाना होगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि इनकी बच्ची है जो 12th में पढ़ रही है, पहले वो पूरा घर का कामकाज करती है, फिर वो स्कूल में जाती है, उसको भी काफ़ी परेशानी है क्योंकि माता जो है वो बीमार हैं, उनको ही ये बच्ची जो है वो अंदर बाहर करती है, जो उनके घर वाले हैं वो भी
बीमार रहते हैं और कहीं दिहाड़ी जो है वो जब लगती है कहीं मिलती है तो लगती है। अभी फिलहाल मैं बता दूं 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जो गरीब बंदा होता है वो दिहाड़ी पे डिपेंड होता है, वो दिहाड़ी भी लगती है, दिहाड़ी भी कभी कभी ही मिलती है। तो जो भी अधिकारी जो देख रहे हैं PDD डिपार्टमेंट के, तो थोड़ा इनके ऊपर गौर करें। अपने से अगर आपको भगवान ने कहीं अच्छे मुकाम में पहुंचाया है तो कहीं गरीब की जो है वो अगर आप हेल्प कर सकते हो तो वो करें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी जो है लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं और करते भी हैं, सोशल मीडिया में आपने बहुत बार देखा है, कुछ हेल्प इनकी हो जाए, जो उनका 30-35 हज़ार रुपया बकाया है वो जो बिजली डिपार्टमेंट का खत्म कर दें, तो उसके बाद जो है वो अपने चांस की जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। फिलहाल जो बीमार है इनकी दवाई का भी खर्चा जो है वो अब इनको लाले पड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि 10-15 दिन हो गए हैं, दवाई भी खत्म हो गई है, इनकी दवाई जो है वो लगभग 1,000 या 1,500 रुपए की जम्मू से मिलती है, दवाई भी इनको नहीं चाहिए। ये क्या कहते हैं कि पहले मुझे हमारा बिजली का बिल जो है वो क्लियर हो जाए, हमारे सर पे जो कर्जा बना हुआ है गवर्नमेंट का वो कर्जा जो है वो खत्म हो जाए। मैं इनका आपको फोन नंबर और इनका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, इनके अकाउंट में आप पैसा जो है वो जरूर डालें, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जितना भी आप डाल सकते हो वो इनको डालें, ताकि ये अपना बकाया जो है वो बिजली डिपार्टमेंट का जितना बकाया बना हुआ है वो ये दे दे। तो फिलहाल आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। अगर आप पैसा देने में असमर्थ है, नहीं दे सकते हैं, तो खबर को शेयर करें और बाकी लोगों तक ये खबर जो है वो पहुंचे। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसे लोग जो 50-100 रुपया जो डाल सकते हैं इनके अकाउंट में डालें, ताकि इन लोग गरीब की मदद हो। तो फिलहाल देखते रहे रियासी JK न्यूज़।